दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर को हिंदी में कैसे चलाएं या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर पे जो कुछ भी हम सर्च करते हैं उसका सर्च रिजल्ट को आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, बंगला हो या मलयालम हो, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी पसंद का, वो जो लैंग्वेज आप पढ़ना जानते हैं उस लैंग्वेज में आप गूगल क्रोम ब्राउजर की सर्च रिजल्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को हिंदी में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन के गूगल क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद राइट साइड में ऊपर 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम लैंग्वेज, यानी जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है उसका लैंग्वेज सिलेक्ट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस भाषा में आप रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आप हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप हिंदी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी और इस प्रकार से आपके सामने अब क्रोम ब्राउजर आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगी और यहाँ पे अब क्रोम ब्राउजर हिंदी लैंग्वेज में ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे अब हिंदी में लिखी हुई आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर पे जो कुछ भी आप सर्च करते हैं उस सर्च रिजल्ट को आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि एक इंग्लिश आर्टिकल है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाती है, जहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है और आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, आप इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो इसे अपनी पसंद की भाषा में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से सबसे नीचे की ओर आना है। यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है, ट्रांसलेशन सेटिंग। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी का ऑटोमेटिक ऑन रहता है, फिर भी अगर आपके स्मार्टफोन में ये सेटिंग बंद होगी तो इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, आप एडवांस में क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप क्रोम ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं तो जो सर्च रिजल्ट आती है उसे आप पढ़ना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है, जैसे देख सकते हैं बंगला, भोजपुरी और भी बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती है। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बंगला सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए बंगला सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो कुछ भी हम सर्च रिजल्ट पढ़ेंगे वो बंगला में हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम बंगला सिलेक्ट कर लेते हैं, बंगला सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सर्च किया था वो सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है और आप यहाँ पे अब मैं इसे बंगला में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो ऊपर राइट साइड में आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई वो सारी टेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक बंगला में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बंगला लैंग्वेज में चेंज हो चुकी है। अब इजीली मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ था अब उसे मैं बंगला में पढ़ सकता हूँ और सारी चीजों को इजी तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसी प्रकार से आप और किसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में, मलयालम में या और जो भी लैंग्वेज है, भोजपुरी वगैरह, आप उस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज को चेंज करने के लिए फिर से आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, लैंग्वेजेस पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने बंगला सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे आप टैप करके अदरवाइज और कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें अब इंग्लिश में है। यहाँ पे मैंने सेटिंग में हिंदी यहाँ पे सेटिंग पे जाकर मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसलेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितनी भी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी थी वो सारी चीजें हिंदी में लिखकर आ चुकी है, जिसे मैं अब इजिली पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आप गूगल क्रोम ब्राउजर में अपनी पसंद का कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके गूगल क्रोम ब्राउजर पे जो कुछ भी आप सर्च करते हैं उस सर्च रिजल्ट को आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आने नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।